टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी शिवानी के साथ, जो सबको ये बताती हुई नजर आएगी कि देवयानी, हम सबको पता है कि उसकी मेडिकल कंडीशन क्या थी, उसके बाद भी हमने उसे कमरे में बंद रखा। अश्विनी कहती है सई से कि हाँ मुझे माफ़ कर दो सई, लेकिन मैं इसमें घर वालों की बातों में आ गई थी। और यहाँ पर शिवानी और अश्विनी सई से गेट के बाहर मिलने आती है। सई कहती है कि मुझे देखने दो कि आखिर आईपीएस विराट चव्हाण, जो एक आइडियल ऑफिसर हैं, जो मुझे यहाँ पर लाए थे अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए, जिन्होंने मेरे मुंह पर दरवाज़ा मार दिया, आखिर वो आगे और क्या करते हैं। सई कहती है विराट के लिए कि अगर उन्होंने मुझे घर छोड़ने के लिए एक बार भी कहा है तो मैं घर छोड़कर ज़रूर जाऊँगी। विराट यहाँ पर कहता है कि जिसे जो करना है वो करे। सई यहाँ पर कहती है विराट से कि पुलकित सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहता है, देवयानी ताई का प्यार और उनका सपोर्ट। सई यहाँ पर विराट को चैलेंज करती है कि आप पुलकित सर को फ्रॉड प्रूफ करके दिखाइए, अगर पुलकित सर गलत निकलते हैं तो मैं विराट सर के जूतों की माला पहनने के लिए तैयार हूँ। सई यहाँ पर चैलेंज करती है कि आप ऐसा करके तो दिखाइए। विराट कहता है कि मुझे पुलकित को फ्रॉड फेस करने के लिए कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, और सई के मुँह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। अश्विनी कहती है विराट से कि तुम पागल हो गए हो, क्या तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसे बर्ताव करोगे। विराट कहता है कि बस सई अब इस घर में कदम नहीं रखेगी आज के बाद। अश्विनी कहती है कि ये है मेरी परवरिश, मैंने तुम्हें यही सिखाया है। विराट कहता है कि सई तुम्हें तो यहाँ पर आने के लिए मेरा थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अब तुम दे रहे हो उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट, इस तरीके से तो तुम मेरी बहन की लाइफ ख़राब कर चुकी हो, और इसलिए तुम यहाँ घर में रहना डिज़र्व नहीं करती। और वो विराट घर वालों को सबको बताता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, आज के बाद कोई भी सई का नाम इस घर में नहीं लेगा, और ना ही कोई सई को सपोर्ट करेगा, और ना ही कोई उसे इस घर में आने देगा। विराट कहता है कि सई एक बुरा सपना था और वो सपना अब खत्म हो चुका है। पाकी कहती है कि चाहे जो हो जाए, आज जो हुआ है सई की उसमें खुद की ही गलती है। उषा कहती है सई से कि विराट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज छोड़ दी है, उन्होंने तुझे अपनी जिम्मेदारी मानने से मना कर दिया है। सई कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बस देवयानी ताई की खुशियाँ उन्हें लौटाना चाहती थी और वो मैंने कर दिया। देवयानी यहाँ पर पुलकित के घर में एंट्री करती है और सारी गृह प्रवेश की रस्में पूरी करती है, और वो कहती है कि अब मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ, अब मुझे कोई भी नहीं डांटेगा। पुलकित सई का धन्यवाद करता है और सोचता है कि आखिर वो इतनी सारी मुश्किल सिचुएशन अकेले कैसे झेल रही होगी। देवयानी यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती है सई की सलामती के लिए। पुलकित कहता है देवयानी से कि अब कोई भी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएगा। उधर उषा सई से कहती है तो अब तुम क्या सोच रही हो सई। सई कहती है उषा ताई से कि कुछ नहीं, मैं बस शांत रहना चाहती हूँ थोड़े टाइम के लिए। उषा कहती है कि चलो हम वापस घर चुरौली चलते हैं। विराट यहाँ पर वो सारे होली के स्वीट रोमांटिक मोमेंट याद कर रहा होता है और इमोशनल हो रहा होता है। विराट कहता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे मैं जो फील करूं, लेकिन जिस तरीके से मैं तुम्हारे साथ क्लोजनेस बढ़ा रहा था, उससे तेज़ी से तुमने हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा दी है। विराट बहुत रोता है। पाकी यहाँ पर आती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ विराट कि तुम कैसा फील कर रहे हो। विराट कहता है कि नहीं, मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता, और आज जो हुआ है उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं। पाकी कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम सई के लिए परेशान हो। विराट कहता है कि मुझे सई की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने डिसीजन पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ, और मैं क्यों वरीड हूँगा सई के बारे में। पाकी कहती है कि सई और उषा ताई अभी भी दरवाजे के बाहर वेट कर रही हैं, और वो कहती है कि सई ने अब तक शायद तुम्हारी बात सुनी नहीं है, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। विराट पाकी को कहता है कि क्या तुम सई के बारे में बात करना बंद करोगी। पाकी कहती है कि ठीक है, मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम अश्विनी माँ को, अश्विनी काकी को हमेशा सई के सपोर्ट में कैसे देख लेते हो। विराट बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो चिल्लाता है कि सई को मैंने वॉर्न किया था कि उसे मेरी माँ से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी यहाँ पर बोलने के बावजूद भी मेरी माँ से उसने बात करी कैसे। विराट कहता है कि मेरी माँ के बारे में मैं गलत नहीं सोच सकता, और ना ही किसी और को गलत सोचने दूंगा। पाकी कहती है कि ठीक है, मैं खाना लाती हूँ तुम्हारे ही रूम में। विराट कहता है कि तुम खाना रख दो डाइनिंग टेबल पर, मैं वहीं आता हूँ। अश्विनी कहती है सई से कि मैं नहीं देख सकती कि तुम दोनों भूखे हो। सई, मैं भी तुम्हारे साथ अपसेट हूँ।
उषा कहती है कि सई से कि हम चुपचाप बाहर बैठे हैं। सई अश्विनी से कहती है कि आप यहाँ क्यों आई हैं, आई और खाना क्यों लाई हैं, और यहाँ पर आपको क्या लगता है कि हम भिखारी हैं जो रोड पर बैठे हैं और आप हमारे लिए खाना लाई हैं सबसे छुपाकर। अश्विनी कहती है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें चिंता में यहाँ पर खाना लेकर के आई हूँ और मैं तुम्हें अपने हाथ से अपनी बेटी की तरह खिलाऊंगी। सई कहती है कि मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगी, और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। और भवानी ये सब कुछ देख रही होती है कि अश्विनी सई को खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है, और वो अंदर जाकर के भड़काऊ भाषण देने वाली है विराट के आगे।